नरेंद्र मोदी। पब्लिक के हित में, समाज हित में या बढ़ती हुई कीमत को वापस, ये अराजकता फैलाने वाली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार, हम ये चाहेंगे कि ये निकम्मी सरकार समाप्त हो और देश में अमन चैन बहाल। बढ़ती महंगाई के खिलाफ सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड के महादीपुर बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन कर केंद्र की भाजपा सरकार के कार्यकाल में आसमान छू रही महंगाई का थाली बजाकर विरोध जताते हुए जमकर सरकार विरोधी नारे भी लगाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब से भाजपा सरकार देश में आई है तब से पेट्रोल, डीजल, सरसों तेल, रसोई गैस सहित खाद्य पदार्थों की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भाजपा ने चुनाव के समय जनता से कई वादे किए थे और सत्ता पर काबिज होते ही भाजपा अब नींद में सो रही है। आज आम आदमी अपना घर नहीं चला पा रहा है। जो व्यक्ति दिन दहाड़ी मजदूरी या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं वह घर की रोजाना की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में भाजपा महंगाई पर सरकार को घेर रही थी। भाजपा नेता कांग्रेस सरकार पर तंज कस रहे थे लेकिन आज अपनी नाकामी पर वे सभी चुप्पी साध लिए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अविलंब बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग की है। जो स्थिति बनी हुई है देश का वो किसी से छिपी हुई नहीं है। ये अराजकता फैलाने वाली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार, हम ये चाहेंगे कि ये निकम्मी सरकार समाप्त हो और देश में अमन चैन बहाल हो। यह हम लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता है और खास करके और इसी आशय के संबंध में हम फिर पुनः कहना चाहेंगे कि 13 तारीख को जिला स्तरीय ये धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित है और उसमें भी नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जाएगा। हम लोगों का मांग स्पष्ट है और कांग्रेस पार्टी की मांग है, खास करके पूरे भारत के हर राज्य में, हर सूबे में, हर गली में, हर कोने में आज एक सप्ताह से कमोबेश थाली बजा करके हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि भारत में इस तरह से महंगाई बढ़ी है, गैस की कीमत बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, जिसे हम आम खास आदमी जो है परेशान हो रहे हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई को वापस लेने का हम लोगों ने यह थाली और ताली बजाकर विरोध प्रकट किया है कि सरकार जितना जल्दी हो सके पब्लिक के हित में, समाज हित में यह बढ़ती हुई कीमत को वापस ले।